दोस्तों 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल 2020 स्टार्ट होने जा रहा है और आईपीएल 2020 के स्टार्ट होने से ठीक पहले आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए दो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। जहां पर पहली अपडेट है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीवन स्मिथ को लेकर के, वही दूसरी अपडेट है राजस्थान रॉयल्स के मुख्य ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के हवाले से। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको आईपीएल 2020 से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ मैच और टॉस प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईपीएल 2020 के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2020 के स्टार्ट होने से ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीवन स्मिथ चोटिल हो चुके हैं और इस बात की कंफर्मेशन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुद कर दी है। दरअसल फ्रेंड्स, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे ओडीआई सीरीज से पहले अभ्यास सत्र के दौरान एक गेंद स्टीवन स्मिथ के सर पर लग गई थी, जिसके चलते स्टीवन स्मिथ पहले वनडे से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और स्टीवन स्मिथ के आईपीएल 2020 खेलने के ऊपर भी थोड़ा बहुत संशय बन चुका है। अब हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि स्टीवन स्मिथ को हार्ड इंजुरी है या फिर थोड़ा बहुत इंजुरी है। उसके बाद यहां पर दूसरी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है बेन स्टोक्स के हवाले से, जहां पर बेन स्टोक्स के फादर ब्रेन कैंसर से गुजर रहे हैं, जिस वजह से बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था और उसके बाद उनके आईपीएल 2020 से बाहर होने पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन यहां पर अब पूरी तरीके से कंफर्मेशन आ चुकी है और बेन स्टोक्स राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए आईपीएल 2020 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि शुरुआत के मैचों में बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन मिड सीजन के बाद यानी कि 10 अक्टूबर के बाद बेन स्टोक्स आईपीएल 2020 के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर दो बड़ी खबर थी राजस्थान रॉयल्स की टीम के हवाले से, जहां पर पहली खबर यह थी कि स्टीवन स्मिथ के सर में गेंद लग चुकी है, वह दूसरी बड़ी अपडेट थी कि बेन स्टोक्स आईपीएल 2020 में मिड सीजन के बाद आपको अवेलेबल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको आईपीएल 2020 और राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।